नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में और डिप्रेशन की बीमारी स्पेसिफिकली फीमेल्स में जो होती है उसके बारे में। तो देखिए, फीमेल्स में, महिलाओं में जो डिप्रेशन की बीमारी है उसका जो प्रिवेलेंस है वो मेल से कंपेरिजन में दोगुना होता है। यानी कि फीमेल्स में जो डिप्रेशन है वो मेल से कंपैरिजन में दोगुना ज़्यादा होता है और इसका जो कारण है वो कई लेवल्स पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये है कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनका एक मेजर रोल होता है डिप्रेशन की बीमारी के होने में फीमेल्स के अंदर। और इस हार्मोनल कारण के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। सोशली, सामाजिक तौर पे कई बार फीमेल्स को ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं मेल से कंपैरिजन में, और इस वजह से भी उनमें ये डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा होते हैं। कई बार जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंसेस होती हैं, पीरियड्स जिसको बोला जाता है, उनका भी एक मेजर रोल होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को डेवलप करने में या उनको चेंज करने में। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि फीमेल्स में लक्षण होते किस प्रकार के हैं डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन के जो लक्षण फीमेल्स में हैं वो काफ़ी हद तक मेल्स वाले सिम्टम से मिलते हैं, और तो कुछ चीज़ें अलग भी पाई जाती हैं। तो सिम्टम्स की बात करें तो मन उदास रहना, किसी भी काम में मन ना लगना, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बार बार आना, दिमाग चलता रहना, ऐसा फील होना कि दिमाग शांति नहीं हो रहा है, कमज़ोरी फील होना, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना लगना, भूख कम हो जाना या फिर कुछ केसेस में भूख बढ़ जाना, आत्महत्या के विचार आना, नींद कम हो जाना और कुछ केसेस में नींद बढ़ जाना, ये सब सिम्टम्स फीमेल्स में पाए जाते हैं डिप्रेशन के। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि उदासी के अलावा फीमेल्स में डिप्रेशन में चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ सकता है। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या हर बात पर लड़ाई हो जाना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का अलग फीमेल्स में। कई बार जो महिलाएँ होती हैं वो ये फिज़िकल सिम्टम्स के साथ आती हैं। कई बार साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की जगह फीमेल्स में फिज़िकल सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं डिप्रेशन में, जैसे कि शरीर में दर्द होना, पूरे बदन में दर्द होना जैसा कोई रीज़न ना मिल पाए मेडिकली, ऐसा दर्द होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील होना, और कई बार पेट की दिक्कतें होना, कब्ज़ हो जाना या फिर पेट साफ ना होना या फिर डाइजेशन ख़राब हो जाना, ये सब चीज़ें भी कई बार सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मेंसेस के लगभग 7 दिन पहले कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना या रोना आना बार बार, मूड बहुत स्विंग करना, कई बार कुछ फिजिकल सिम्टम जैसे कि हाथ थोड़े से स्वेलिंग कर जाना, हाथ में स्वेलिंग हो जाना या फिर पेट खराब हो जाना, इस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं जो कि जैसे जैसे पीरियड्स आते हैं, जैसे जैसे पीरियड्स शुरू होते हैं वैसे वैसे कम होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ये सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हम इसको एक बीमारी मानते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो फीमेल्स में डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं, कई बार थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं और कई बार उनका रिलेशनशिप मेंस्ट्रुअल साइकिल से पाया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स को पहचान के सही टाइम पे इलाज किया जाए और इनको बढ़ने से रोका जाए। तो इलाज का जो पैटर्न है वो दो लेवल्स पे होता है, दो टाइप्स का होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर काउंसलिंग या फिर साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो सकता है। बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ज़रूरी है कि सही टाइम पे ट्रीटमेंट को शुरू किया जाए क्योंकि डिप्रेशन का इलाज संभव है और अगर ठीक टाइम पे किया जाए तो आसान भी है। हमारा प्रयास रहता है कि मानसिक बीमारियों के बारे में और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।